हाँ साथ में सड़क का क्या हो रहा है। ये दुखद समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख है। हमारे पूरे इलाके क्षेत्र और परिवार को बहुत बहुत दुख है और ये अपूर्णीय क्षति हमारे परिवार देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तमिलनाडु में आर्मी का चौपर क्रेश होना बड़ी दुखद घटना है। इसमें हमारे पहाड़ के CDS श्री बिपिन रावत जी भी थे और उनके साथ उनका परिवार भी था। ये हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है और इस दुख घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जिसमें भारत के कुछ CDS 42 साल का लंबा इनका सेना का जीवन रहा। ये देश को उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति भी है, उसकी पूर्ति होना असंभव है। और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे, अगर आप लोग देखें जो भी मैं दिल्ली आता था तो अक्सर उनसे मिलता था और हमेशा वो उत्तराखंड की चिंता करते थे। तभी जब मैं हाल ही में एक महीने पहले उनसे मिला और मैं उनसे किसी बात की मांग कर रहा था तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है देहरादून आप उत्तराखंड में TF-11 की डिमांड करिएगा, मैं आपको TF-11 दूंगा। उससे पूर्व जब सेना में भर्ती की छूट, क्योंकि उत्तराखंड के बच्चों की हाइट कम होती है, उसमें छूट के लिए मैं आपके पास गया तो 3 महीने के अंदर उस छूट को आपने लागू करवा दिया। अभी जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए टैंक वेसल्स गन्स वगैरह जिन चीज़ों के लिए भी मैं गया, आपने सारी तुरंत स्वीकृत भेज दी, क्योंकि उत्तराखंड को से उनको इतना प्रेम था। वो चाहते थे उत्तराखंड मजबूत हो, उत्तराखंड आगे बढ़े। एक दिन उससे कहने लगे कि हमारी जो इकोनॉमी इसलिए वो है कि हमारे पहाड़ों को क्षेत्र में इस प्रकार का कुछ नहीं था जैसा कश्मीर में होता है।